40 केवीए थ्री फेज टाटा 700 का डीजल जेनसेट जो कि पूरी तरीके से शोरूम कंडीशन में रेडी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं वर्धमान जनरेटर। आज मैं लेके आऊँ 40 केवीए का टाटा 700 का जनरेटर जो कि बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। दोस्तों वीडियो का अंत जरूर देखिएगा। अभी मैं आपको 100% लोड डाल के भी दिखाऊंगा और शोरूम कंडीशन में जेनसेट को रेडी करके भी दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, जेनसेट पूरी तरीके से हमने उनको रेडी कर दिया है। इसमें हमने 40 केवी थ्री फेज का ट्रांसफॉर्मर टाइप ऑल्टरनेटर लगाया है और टाटा 700 का हम लोगों ने इंजन लगाया है। दोस्तों इंडस्ट्रियल इंजन लगाते हैं हम लोग, गाड़ी का इंजन नहीं लगाते हैं। इसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार आती है दोस्तों, बहुत बेहतरीन इंजन होता है ये। इस इंजन का हम लोगों ने पूरा 100% काम किया है। चारों स्लीवें नई डाली हैं, चारों पिस्टन नए डाले हैं, सारे मेन सीआर नए डाले हैं, हेड का काम हुआ है, पंप का काम हुआ है। बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है दोस्तों। ये देख सकते हैं प्रॉपर इंजन की सेटिंग कर दी है हम लोगों ने, प्रॉपर बेस पे हम लोगों ने इसकी फिटमेंट कर दी है। ये चौड़ी प्लेट वाला इंजन है दोस्तों, जो कि पहचान है कि टाटा 709 का इंजन है ये। बहुत बेहतरीन जनरेटर है दोस्तों, ये कस्टमर की डिमांड पे हम लोगों ने रेडी किया। बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि टाटा 709 का वीडियो बनाए दोस्तों, तो देख सकते हैं मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ दोस्तों। जेनसेट पूरी तरीके से रेडी कर दिया है, अभी मैं आपको स्टार्ट करके लोड डाल के भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं हाफ सेल्फ में जेनसेट ये स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और बिल्कुल भी धुआं नहीं है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं आप, क्वालिटी आपके सामने, हर एंड पे आपको क्वालिटी मिलेगी दोस्तों। पूरा प्रॉपर हम लोगों ने काम किया है ताकि किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना आए, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। आप देख सकते हैं रेडिएटर वगैरह में, तो देख के कह नहीं सकते कि जनरेटर चल भी रहा है दोस्तों। इस क्वालिटी का हम लोगों ने काम किया है। अभी मैं आपको 100% लोड डालूंगा, तो वीडियो का अंत जरूर देखिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक जरूर करें दोस्तों। लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक करने से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ताकि हम और भी आगे से आगे अच्छा से अच्छा कंटेंट बना के आपको पेश करें। और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो सारे मिलते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पैनल पर चलते हैं और आपको मैं लोड डाल के दिखाता हूँ। पैनल थोड़ा हमारा खराब हो गया, कुछ रॉड्स डाउन हो गई हैं, इसलिए करीब 60-65% ही लोड डाल के दिखाने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में। देख सकते हैं 51 फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने सेट करी है, करीब 30-30, 40-40 एम्पियर लोड हम लोग डालेंगे। नहीं तो आप चाहें तो 40-40, 45-45 एम्पियर जनरेटर पर आसानी से आप लोड चला सकते हैं, जो कि इसका 100% लोड बैठता है। देख सकते हैं पहले फेज पर लोड डालना चालू कर दिया हम लोगों ने, लगभग 30 एम्पियर के आसपास इस पर लोड डालेंगे। 30-30, 40 करीब 100-125 एम्पियर लोड डल पा रहा है इस टाइम हमारे पैनल में, क्योंकि कुछ रॉड्स इसकी ख़राब हो गई हैं और रात का समय है, इस टाइम रॉडें मिल नहीं पाएंगी, इसलिए अभी हम लोग करीब 70-75 एम्पियर लोड 1% ही लोड डाल रहे हैं जनरेटर पर। बाकी आप चाहेंगे तो इस पर 100% लोड भी चला सकते हैं, आसानी से चलेगा दोस्तों, बिल्कुल भी जनरेटर दबता नहीं है। मैं दिखाने वाला हूँ आपको, एंटर जरूर देखिएगा। ये देख सकते हैं 2 फेज़ों पर लोड डल चुका है, करीब 60 एम्पियर लोड पर 50 फ्रीक्वेंसी है, धीरे धीरे करके लोड बढ़ा रहे हैं हम लोग दोस्तों। देख सकते हैं 30 एम्पियर के आसपास इस पर लोड आ चुका है, 35 एम्पियर, 35 एम्पियर, 38 एम्पियर, 43 एम्पियर देख सकते हैं दोस्तों। और फ्रीक्वेंसी आपके सामने पूरी 49.5 फ्रीक्वेंसी मेंटेन है, हमने 51 फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, जबकि 51.5 करते हैं अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो इस टाइम 50 फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको अगर हल्की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, लेकिन जैसी कस्टमर की डिमांड थी उस हिसाब से हम लोगों ने सेटिंग करी है। और आप देख सकते हैं 30-30 एम्पियर 2 फेज़ों पर चल रहा है और लगभग 40-41 एम्पियर इस पर चल रहा है, लगभग 100-105 एम्पियर लोड इसके मिनट पर चल रहा है। इससे ऊपर लोड इस टाइम इस पैनल पर डल नहीं पा रहा, अभी आप 10-10 एम्पियर लोड और बढ़ा सकते हैं, इसमें आसानी से लोड ले जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं बिल्कुल भी धुआं नहीं है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, इसको कहते हैं दोस्तों क्वालिटी। 50 के आसपास इसकी फ्रिक्वेंसी है, अभी और लोड लेने की क्षमता है इसके अंदर, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल एक आवाज़ में जनरेटर चल रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं ट्रांसफर टाइम जनरेटर है ये, थोड़ा सा लोड कम ही लेता है एज़ कम्पेयर टू AVR, क्योंकि AVR वाले की DC वोल्टेज कम होती है, ट्रांसफॉर्मर टाइप की थोड़ी ज़्यादा होती है, बट कस्टमर की डिमांड ट्रांसफॉर्मर टाइप थी, इसलिए उन्होंने ट्रांसफॉर्मर टाइप रेडी किया है। और क्वालिटी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बैक नहीं है दोस्तों, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, क्योंकि पूरा 100% हमने इसका काम किया। अभी मैं आपको वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं न्यूट्रल फेज में वोल्टेज इसके करीब 240-250 के आसपास है, 200 न्यूट्रल फेज में, तीनों फेजों में चेक कर लेते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। और फेस टू फेस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, ये फेस टू फेस भी चेक कर लेते हैं, 433 वोल्टेज है। अगर वोल्टेज और कम कर देंगे तो और ज़्यादा लोड लेगा दोस्तों, लेकिन कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हम लोगों ने इसके वोल्टेज सेट करे हुए, कस्टमर को इतने 450 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी। ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, प्रॉपर एक नंबर का काम हो चुका है। और मैं जनरेटर को बंद करके इसको बिल्कुल शोरूम कंडीशन में रेडी करके भी दिखाने वाला हूँ आपको, तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों जेनसेट पूरी तरीके से रेडी हो कर दिया हम लोगों ने, सारा काम हो चुका है, रंग पेंट प्रॉपर हो चुका है, रेडिएटर के प्रॉपर हम लोगों ने सपोर्ट लगाई ताकि रेडिएटर में बिल्कुल वाइब्रेशन ना है, सारे हॉर्स पाइप नए लगाए हैं दोस्तों, जॉली के हम लोगों ने क्लैंप लगाए हैं जैसा हर जनरेटर में लगाते हैं हम लोग, बहुत बेहतरीन क्लैंप होता है दोस्तों ये,
फाइनल की हम लोगों ने इसमें बेड लगाई है दोस्तों, हैवी ड्यूटी हम लोगों ने इसका बेस बनाया है, सारे हाइड्रोलिक के डीजल के पाइप लगाए हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। क्वालिटी आपको हर एंड पे मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल शोरूम कंडीशन में, जेंसिटी ये रेडी हो चुका है। साइलेंसर एयर क्लीनर भी हम लोगों ने हैवी ड्यूटी लगाया है इसके अंदर, सारे हाइड्रोलिक के पाइप देख सकते हैं प्रॉपर। हम लोगों ने इसमें फ्यूल टैंक लगाया 65 लीटर का, इसमें क्लैंप भी दिया ताकि वाइब्रेशन ना हो। इसमें फ्यूल गेज भी है जिसमें आप देख के देख सकते हैं कितना डीजल है टैंकी के अंदर, ये देख सकते हैं। पैनल भी इसमें प्रॉपर लगाया है, 6 पहिए का हम लोगों ने इसमें बेस लगाया है ताकि बिल्कुल भी वाइब्रेशन ना आए, गाड़ी में चढ़ाने उतारने में भी आपको आसानी रहेगी। इससे टंकी की नट बोल्ट भी है, अगर आप हटाना चाहें तो आसानी से हटा भी सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। बहुत शानदार जनरेटर रेडी हुआ दोस्तों, गुड़गांव जा रहा है ये, गुड़गांव के लिए रेडी हुआ है दोस्तों, ये वेल्डिंग के काम के लिए जा रहा है, जहाँ पर 3 फेज की वेल्डिंग मशीन चल रही है दोस्तों, ये देख सकते हैं। हैवी ड्यूटी हमने बैंको जाली का इसमें रेडिएटर लगाया है, इधर से भी आप देख सकते हैं सेल्फ वगैरह सारा इसका प्रॉपर सर्विस करके लगाते हैं ताकि कस्टमर को बिल्कुल दिक्कत ना आए। ये बैटरी का स्टैंड भी बनाया हमने, इसमें बैटरी रखी जाएगी। ये वायरिंग के अंदर फ्यूज़ भी दिया जैसा हर जनरेटर में देते हैं, हैवी ड्यूटी बैटरी की लीड दी है दोस्तों हम लोगों ने इसके अंदर। इसका बैटरी स्टैंड है जिसमें बैटरी रखी जाएगी दोस्तों, अभी अंदर करके टाइट कर दिया है, ये देख सकते हैं प्रॉपर वायरिंग मिलेगी आपको। इसमें एक आर मीटर है, एक टेम्परेचर मीटर है, एक एम्पियर मीटर है, एक चाबी स्विच, एक इंडिकेटर है दोस्तों, जैसा हर पैनल में होता है। तीनों फेसों के तीनों तार निकाली हुए हम लोगों ने, ये तीनों फेस के हैं, ये न्यूट्रल का है दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अभी मैं आपको दोबारा स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से पैनल काम करता है इसका, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं पूरा जेंसर जी शोरूम कंडीशन में रेडी हो चुका है, डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके इसकी पैनल की वर्किंग भी दिखाने वाला हूँ। ये टाटा 709 का 40 KV 3 फेज का जेंसेट है जो कि बहुत ही बेहतरीन जनरेटर है दोस्तों, प्रॉपर हम लोगों ने इसका काम करके बिल्कुल शोरूम कंडीशन में इसको रेडी कर दिया है, डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें आपको टॉप नॉच मिलेंगी। अभी मैं स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ये देख सकते हैं हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको, अभी हाफ सेल में जनरेटर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ये देख सकते हैं। प्रॉपर फिटमेंट मिलेगी आपको, प्रॉपर वर्किंग है, कोई धुआं नहीं है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी आपको। सारे मीटर में हमने लाइट भी दी ताकि अंधेरे में आसानी दे सकते हैं। एक आर मीटर है इसका, ये टेम्परेचर मीटर है, ये एम्पियर मीटर है, तीनों फेसों के तीन इंडिकेटर दिए हम लोगों ने, ये तीनों जल चुकी हैं और ये जेंसेट बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों, डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं आप, वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, प्रॉपर एयर का फ्लो आ रहा है, बहुत शानदार जनरेटर है दोस्तों। टाटा 709 40 KV 3 फेज का जेंसेट है जो कि बहुत पब्लिक की डिमांड आ रही थी दोस्तों, उसका वीडियो बनाए तो इसका वीडियो ले आए हैं दोस्तों, तो इसको लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, कोई धुआं नहीं, किसी टाइप का कोई शोर नहीं है, बिल्कुल एक आवाज़ में क्वालिटी वाली चीज़ आपके सामने तैयार हो चुकी खड़ी हुई है दोस्तों, देख सकते हैं आप। अब इसको खींचेंगे तो जनरेटर बंद हो जाएगा दोस्तों, ये देख सकते हैं जनरेटर बंद हो चुका है, बैटरी की लाइट जल चुकी है, अब इसको ऑफ कर देंगे। ये बिल्कुल डिलीवरी के लिए तैयार है दोस्तों, और ये गाड़ी आ चुकी है दोस्तों, अब इसको हम डिलीवर कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्राइस जानने के लिए दोस्तों व्हाट्सएप करें या फ़ोन करें ताकि आपको हम प्राइस वगैरह और डिटेल दे सकें। यूट्यूब पर हम प्राइस नहीं बताते दोस्तों, क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।